दोस्तों, आपके सामने हैं कुछ तस्वीरें जो ली गई हैं आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ दो से। तो ये जो तस्वीरें हैं, जो अलग अलग तस्वीरें यहाँ दी गई हैं, हमें इन्हें ध्यान से देखना है और क्या पता करना है, कम या ज़्यादा लगाओ अंदाज़ा, मोर और लेस लेट अस गेस। तो हमें इनको ध्यान से देखते हुए कुछ अंदाज़ा लगाना है। चलिए देखते हैं हमें किस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है। एक एक करके इन तस्वीरों को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ एक तस्वीर है जिसमें एक बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है, उसके सारे दांत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसे खिलखिलाकर हंसना पसंद है? तो हमें यहाँ क्या अंदाज़ा लगाना है? हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमारे मुँह में दांतों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टीथ इन आर माउथ। क्या वो 40 से अधिक है, मोर दैन 40, या 40 से कम, लेस दैन 40। आपको क्या लगता है, आपके मुंह में दांतों की संख्या 40 से कम होगी या ज़्यादा? मुझे तो जितना मालूम है, हमारे मुंह में होते हैं 28 से 32 तक दांत, यानी कि 28 to 32 राउंड हमारे मुंह में टीथ होते हैं। तो मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 32 दांत हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो 40 से तो कम ही दांत होते हैं हमारे मुंह में। तो हमारे मुंह में 40 से कम यानी लेस देन 40 टीथ होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंदाज़ा है, आपका क्या अंदाज़ा है? अब ज़रा देखिए, यहाँ पे तस्वीर है एक साइकिल की। क्या आपको साइकिल चलाना आता है? देखिए, यहाँ पे दो सीट है साइकिल पे, एक पीछे और एक आगे की ओर। क्या आप कभी साइकिल पे बैठे हैं? हमें इस साइकिल को देख के अंदाज़ा लगाना है कि साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। क्या वो 20 से अधिक होती है, मोर दैन 20, या 20 से कम, लेस दैन 20। आपको क्या लगता है, क्या 20 से अधिक होगी या 20 से कम? मुझे तो लगता है यहाँ करीबन 15 या 16 तीलियाँ होंगी यहाँ साइकिल के पहिए में। गिन के देखिएगा बाद में, लेकिन अंदाजे के अनुसार तो मेरे हिसाब से 20 से तो कम ही होगी। तो यहाँ पर है 20 से कम यानी लेस दैन 20 स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। अब देखिए, यहाँ है माचिस की डिबिया और हमें पता लगाना है कि माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। क्या वो 30 से अधिक होती है, मोर दैन 30, या 30 से कम, लेस दैन 30। यह डिबिया तो पूरी की पूरी भरी रहती है, इसमें तो काफ़ी सारी तीलियाँ होती हैं, तो यह तो लगभग 30 से अधिक ही होती हैं, मोर दैन 30। तो दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लड़की और उसके पास है बहुत सारी पेंसिल्स। क्या आपके पास एक पेंसिल है या ढेर सारी? मेरे पास पेंसिल तो कम है, पर पेन खूब सारे हैं, क्योंकि मैं पेन से ज़्यादा काम करती हूँ। हमें यहाँ तस्वीर को देख के पता लगाना है, क्या तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। हमें पता करना है कि आपकी कक्षा में पेंसिलों की संख्या जो है वो 45 से अधिक होती है, मोर दैन 45, या 45 से कम, लेस दैन 45। मुझे तो ऐसा लगता है हर एक बच्चा लगभग, आपकी क्लास में कितने लोग होंगे, लगभग क्लास में हमारी 30 लोग तो होते ही हैं, और 30 में से जो बच्चे हैं वो कोई एक पेंसिल लाता है तो कोई दो लाता है। अगर सारे बच्चे 30 के 30 बच्चे एक पेंसिल लाते हैं तो कम होगी, लेकिन मुझे लगता है हर कोई एक्स्ट्रा पेंसिल कैरी करता है। तो मुझे लगता है कि 45 से अधिक यानी मोर देन 45 पेंसिल्स होंगी आपकी कक्षा में। आपको क्या लगता है? पता लगाना कि आपकी कक्षा में 45 से अधिक पेंसिल्स हैं या 45 से कम। तो दोस्तों, अब यह देखिए, यहाँ पर है एक संतरा। यह तो मेरा फेवरेट फल है, यानी कि सबसे पसंदीदा। हमें पता करना है कि एक संतरे में बीजों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। क्या वो 50 से अधिक होते हैं, मोर दैन 50, या 50 से कम, लेस दैन 50। अगर 50 बीज एक संतरे में होंगे तो उस संतरे में तो बीज ही बीज होंगे, इतना छोटा सा तो होता है हमारा संतरा। 50 से तो कम ही होती है, तभी तो हम संतरा खा पाएंगे ना। तो यहाँ तो इसका उत्तर तो मुझे यकीन है कि 50 से कम ही होगा, लेस दैन 50। आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, हमने क्या किया, हमने अंदाज़ा लगाया, कम या ज़्यादा लगाओ अंदाज़ा,
मोर और लेस लेट अस गेस, हमने ये सारी तस्वीरें देखते हुए इनमें मौजूद चीज़ों की संख्या का अंदाज़ा लगाया। आप भी अपने आसपास देखना चीज़ों को और अंदाज़ा लगाना संख्या का यानी नंबर्स का एक एस्टिमेशन कि वो कम है या ज़्यादा।